नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में, और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को, कॉज और इफेक्ट इनका एनालाइज करेंगे, और देखेंगे कि इन इवेंट्स का, जो फाइनेंशियल बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट्स है, क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ पर। तो यहाँ बिजनेस न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखेंगे और एनालाइज करना सीखेंगे। दो न्यूज़पेपर्स मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और आज इन दोनों के एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हमने कवर किए हैं काफ़ी सारे। तो 15 के करीब आर्टिकल्स हैं, तो हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल है, कुछ कनेक्टेड आर्टिकल्स मैंने साथ में रखे हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल है, लोकल प्रोक्योरमेंट मैंडेट फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स में गेट स्ट्रिंजेंट। जितने भी ओवरऑल लोकल प्रोक्योरमेंट मैंडेट है हमारे लिए, क्या होते हैं लोकल प्रोक्योरमेंट मैंडेट, ये कहते हैं कि भाई इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि बाहर से सामान लाया और पूरा का पूरा असेंबल कर दिया बस यहाँ पे। सामान को खरीदो भी इंडिया से, रॉ मटेरियल भी इंडिया से लो। तो सोलर प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं, इनके लिए जितने भी प्रोक्योरमेंट के मैंडेट हैं कि जो रॉ मटेरियल खरीदना है और मशीनरी खरीदनी है, वो और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो जितनी इंडियन कंपनीज हैं जो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रही हैं, चीजें बना रही हैं, उनको काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि टाइटन कर देगी और स्ट्रिक्ट कर देगी रूल्स को, जो कह रहा है कि आप इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी से खरीदो जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड सामान है, रॉ मटेरियल्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। ज्यादा सुनता नहीं हूँ मैं इस मिनिस्ट्री के बारे में, अगर मैं सही बताऊं। और इन्होंने कहा है कि हम सोलर सेल्स को इंक्लूड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ सोलर मॉड्यूल इन ALMM। क्या होता है ये, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स स्कीम। यहाँ पे ओवरऑल अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको काफी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम सोलर सेल्स जिस हिसाब से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये काफी बड़ा डिफिशिट क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। हम चाइना को कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इम्पोर्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया में जब हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते हैं, तब भी इम्पोर्ट चाइना से बढ़ने लगता है। तो ये सिचुएशन आप देखिए, टोटल इम्पोर्ट्स और टोटल इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना कितना ज्यादा, मतलब यहाँ पे शेयर है चाइना का। टोटल इम्पोर्ट 1684 है यहाँ पर, और 1307 किसका आ रहा है, चाइना का अकेले। तो हमारे टोटल इम्पोर्ट में हमेशा 80% 90% शेयर देखने को मिलता है कि चाइना का ही है। मेजोरिटी ओवरऑल हम इम्पोर्ट चाइना से ही कर रहे हैं हर चीज। तो इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा इंडियन स्पेस को। आते हैं अगले आर्टिकल पर, पिक्सल फर्स्ट इंडियन स्पेस स्टार्टअप टू गेट नासा ऑर्डर। फर्स्ट इंडियन स्पेस स्टार्टअप है ये, जिसे नासा का ऑर्डर मिला है। सो दिस इज अ रियली बिग ब्रेक थ्रू फॉर एन इंडियन स्टार्टअप एंड इंडियन कंपनी, और ये लार्जेस्ट सप्लायर डील होगी फॉर एनी इंडियन फर्म फ्रॉम अ यूएस एजेंसी। यस, यूएस एजेंसी से मिला हुआ आज तक का सबसे बड़ा सप्लायर डील होने वाला है ये। तो देखते हैं क्या है ये स्टार्टअप और किस चीज में ये काम करता है। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है पिक्सल। ये स्पेशलाइज करता है कटिंग एज हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी। तो अर्थ हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी है, एंड इन्होंने लार्जेस्ट सप्लायर डील अभी तक जीती है बाय एनी इंडियन कंपनी फ्रॉम नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया में ISRO है, वैसे ही US में नासा है। तो ओवरऑल ये बन चुका है नासा के $476 मिलियन कमर्शियल स्मॉल सैट डेटा एक्विजिशन प्रोग्राम का पार्ट, एंड ये फर्स्ट डील है बाय इंडियन स्टार्टअप जब स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया था प्राइवेट कंपनीज के लिए 2020 में। यस, अभी तक स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए, मैं कहूंगा अगर ओपन होगा अभी तो कुछ इतना काम नहीं हो रहा था इसमें, बिकॉज इसे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। तो स्पेस स्टार्टअप्स पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बट यस ओवरऑल यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया और ये सारी चीजें रिलैक्स की गई जो पहले काफी स्ट्रिक्ट थी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोग्राम जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, पीरियड है इसका, ये रन करेगा थ्रू नवंबर 2028, एंड ये नासा को प्रोवाइड करेंगे US गवर्नमेंट को और एकेडमिक पार्टनर्स को हाइपरस्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू गेट इनटू कि ये होता क्या है ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट विल टेक अ पर्सन विद टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो इस चीज को एक्सप्लेन करे। बट वी आर हैप्पी कि इंडिया में इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है स्पेस स्टार्टअप्स को, एंड सून आई थिंक विल सी मोर स्पेस स्टार्टअप्स जो इंडिया से ग्लोबल जा रहे होंगे, एंड दिल हैव ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड ग्लोबल प्रोग्राम्स। सो दिस इज अ रियली ग्रेट स्टेप, अ बिग लीप फॉर इंडिया एंड द इंडियन कंपनीज।
We'll come to the next article, which is an editorial. Rural banking. RRBs need focused intervention. यहाँ पे बात हो रही है रूरल बैंकिंग की, एंड RRBs यहाँ लिखा है जिसका मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स. यस, फर्स्ट बैच ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स ये एस्टैब्लिश हुए थे 1975 में, 1975 में, जब एक वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आई. आइडिया क्या था कि रीजन के हिसाब से फोकस्ड बैंक्स बनाते हैं, कि ये जो बैंक होगा इसको यहाँ के सारे लोकल इश्यूज पता होंगे और ये बैंकिंग सर्विसेज देगा उन रूरल एरियाज में, जैसे कोई ट्राइबल एरिया है, कोई बिल्कुल रूरल एरिया है जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. सारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे बैंक से, वो कोर जो बैंक के काम है, कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है, उन्हें सिर्फ वो चाहिए. RRBs को कौन ओन करता है? ये जॉइंटली ओन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न. And the sponsoring commercial bank with an equity holding of 50%, 15% and 35%. तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स हमें नजर आ रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स में. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नंबर टू पे स्टेट गवर्नमेंट, एंड तीसरे पर जो स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक है वो, और इनका शेयर होगा 50%, 15% and 35%. तो अगर आप RBI रेगुलेट करता है RRBs को, तो जो नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इन्हें सुपरवाइज करता है. तो रिपोर्ट किया गया था इस न्यूज़पेपर द्वारा लास्ट वीक कि यूनियन गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि RRBs को कंसोलिडेट कर दिया जाए. तो कंसोलिडेट करने का मतलब होता क्या है? बहुत ही सिंपल, यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज करेंगे इसके लिए होगा ये मर्जर. मैं कई बार समझा चुका हूँ मर्जर का मतलब क्या है. 10 RRBs है, रीजनल रूरल बैंक्स है, इनको मर्ज करके मैंने कितने बना दिए, 4 बना दिए, 4 RRBs बना दिए मैंने. कैसे, क्या किया मैंने, 2 को एक साथ मिला दिया, फिर मैंने क्या किया, 3 को एक साथ मिला दिया. इस तरीके से मैंने अलग अलग जो बैंक्स थे इनको कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एकजुट कर दिया, तो ये 4 बैंक्स बन गए. ये 2 बैंक्स 1, 2 बैंक्स 1, 3 बैंक्स 1, 3 बैंक्स 1, तो इस तरीके से 10 बैंक्स को कंसोलिडेट करना कहते हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और कॉम्पिटिशन कम हो. अगर एक ही गाँव में दो दो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 3 बैंक्स हैं, तो इससे काफी ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और वेस्ट हो रहा है. प्रॉब्लम ये है, उसी जगह पे अगर एक बैंक होता, अगर ये तीनों बैंक लेट से मिल जाते हैं, तो एक ही ब्रांच की जरूरत होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अलग अलग 3-3 ब्रांच नहीं खुलने पड़ेंगे, जगह नहीं लेनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ओवरऑल ये कंसोलिडेट करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और ऑपरेशंस के कॉस्ट को कम करें. तो एफिशिएंसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है RRBs के लिए. एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें अवेलेबल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के, तो करीब 43 RRBs हैं रीजन रूरल बैंक से जिनका वर्थ है 7.7 trillion rupees, इनका बैलेंस शीट. कंपैरिजन करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था इसके पास था करीब 61 trillion rupees. तो ये सारे RRBs मिला करके भी इनके पास जो बैलेंस शीट है इसमें 7.7 trillion rupees है, और अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 61 trillion लेकर के बैठा है यहाँ पे. तो कोई कॉम्पिटिशन इनका है नहीं बड़े बैंक से. सो द रोल है RRBs का एग्रीकल्चर सेक्टर में वो फेली लिमिटेड रहा है. डिस्पाइट 90% ऑफ जो इनके ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज में है, RBI का डेटा दिखाता है कि जो RRB का फ्लो है ना क्रेडिट में इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सिर्फ 11-12% है, सिर्फ 11-12% लोन इनसे जा रहे हैं. जबकि इनकी प्रेजेंस देखो, ये 90% है ही इनके ब्रांचेस रूरल एरियाज में. तो यहाँ देख रहा है, हमें दिख रहा है कि इनका ना होना, होने में ज्यादा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट. जितने हमारे बड़े बैंक्स हैं वो भी रूरल एरियाज में आकर के बहुत एफिशिएंटली, मैं कहूंगा, लोन्स वगैरह लोगों को दे रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स की और लोगों की एग्रीकल्चरल एरियाज में. सो ओवरऑल RRBs ने क्या किया है, देखिए ये इन्होंने इम्प्रूव किया है, लेकिन ये जो लॉस मेकिंग वंस है ना, इनके लॉस हो गए हैं करीब करीब 9,800 करोड़. एंड RRBs को भी रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस दिया गया वर्थ 10,890 करोड़ 2021-22 और 22-23 में, जो ज्यादा था देन द कैपिटल इन्फ्यूज बाय ऑल स्टेक होल्डर्स ओवर लास्ट 45 इयर्स. जितना पिछले 45 साल में पैसा नहीं मिला ना, उससे ज्यादा पैसा इनको मिला है 21-22 और 22-23 में कोविड के बाद. लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हमें अगर ऐसी इनफिशियंसी देखने को मिलेगी तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है. तो देयरफॉर यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो लॉसेज में चल रहे हैं ना RRBs, इनको क्लोज कर दिया जाए. एंड जो एसेट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज है उस बैंक के पास जिसको हम बंद कर रहे हैं, वो अब्सॉर्ब कर लिया जाए बाय स्पॉन्सर बैंक से, दूसरे बैंक से उनके द्वारा. सो ये हेल्प कर सकता है
आरआरबी को भी, और ओवरऑल जो टैक्स पेयर का मनी यहाँ लग रहा है वो भी दूसरी जगह यूज हो पाएगा, दूसरे बैंक्स के लिए, दूसरे ब्रांचेस के लिए जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो अगर हम यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूज करेंगे यूपीआई की तरह, जो अब नया यूएलआई आ रहा है, तो इससे कमर्शियल बैंक जो है ये भी बेटर पोजिशन में होंगे और ये स्मॉल साइज लोन्स देने के लिए रेडी होंगे रूरल एरियाज में। कुछ एनबीएफसी कंपनीज हैं वो भी परफॉर्म कर रही है बहुत अच्छा अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे कि फाइनेंस करती है फार्म इक्विपमेंट, ट्रैक्टर से लेके जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं रूरल एरिया में, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आरआरबी में, इनको एम करना चाहिए कि एफिशिएंसी इंप्रूव करें, तभी हम हेल्प कर पाएंगे रूरल एरियाज में लोगों की, और तभी टैक्स पेयर्स भी यहाँ पर पैसा डालना चाहेंगे, गवर्नमेंट भी यहाँ पे पैसा और ज्यादा मैं कहूंगा इन्फ्यूज करना चाहेंगी। आते हैं अगले आर्टिकल पर, ये भी एक दूसरा एडिटोरियल है जिसका नाम है द स्किल गैप, स्किलिंग कैन इंक्रीज टूरिज्म जॉब्स। अब स्किलिंग से टूरिज्म टूरिज्म जॉब्स कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल से। राइटर का कहना है कि जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल है THSC, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU इसे हम कहते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए। MOU डिफरेंट कंट्रीज के बीच में साइन होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, ये प्री कॉन्ट्रैक्ट है मैं कहूंगा, जहां ये बेसिकली रिटन में एक दूसरे को अफर्म कर रहे, बता रहे हैं कि यस हम रेडी हैं कि हम इनिशिएटिव लें ये सारे एक साथ, इसमें इतना हम लोग पार्टिसिपेट करें, इतनी सारी चीजें करें, सो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप ब्रेक कर सकते हो कभी भी, बट ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिवली लेते हैं हमेशा बिल्कुल। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स जायंट वीजा के साथ, 3 साल की यहाँ पार्टनरशिप होगी जिसकी वैल्यूएशन करीब है $1 मिलियन, और ये चाहता है कि ये 20,000 इंडियन यूथ को अक्रॉस 10 states में जो है उन्हें अपस्किल करे और टूरिज्म लेवल रेलिवेंट स्किल्स लेकर आए उनमें, क्योंकि टूरिज्म रेलिवेंट स्किल्स लाने की यहाँ बात हो रही है। एंड जो प्रोग्राम है ये फोकस करेगा एसेंशियल रोल्स पर, जैसे कि ओवरऑल टूर गाइड्स की हमें जरूरत है बढ़िया, स्पेसिफिकली टूर गाइड्स जो बढ़िया जो ओरेटर हो, राइट, इंग्लिश बढ़िया हो, हिंदी बढ़िया हो, फ्रेंच भी आती हो, जो फॉरेन की लैंग्वेज भी उन्हें आती हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, नेचुरलिस्ट, पैराग्लाइडिंग टैंडम पायलट्स, एंड जो टूरिज्म एक्सपीरियंस है इंडिया में इसको और एलिवेट किया जाए, ऑर्गेनाइज बनाया जाए, काफी अनऑर्गेनाइज भी है मैं बोलूंगा, एंड सर्टेनली ये गुड गुड मूव है, बट ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्यूट स्किल गैप फेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म में खाली एक स्किल गैप की प्रॉब्लम है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, लेकिन जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें इमेंस पोटेंशियल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी ड्राइव करे और मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करे, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है और हमने देखा है सर्विस सेक्टर में अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है जब भी कोई सर्विस इंडस्ट्री किसी जगह पर आती है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट करता है 7.5%, 7.5% है इंडिया के GDP का। तो कोई अगर आपसे बहस करे कि टूरिज्म में स्कोप नहीं है तो आप उन्हें जरूर बता सकते हैं 7.5% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया की GDP में टूरिज्म का है, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर बनाता है इसे, इसमें करीब देखिए 3.9 मिलियन लोगों को नौकरी मिलती है, करीब करीब 4 करोड़ लोगों को, जो इक्विवेलेंट है 8% ऑफ इंडियन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट के, यस, तो 7.5% ये GDP में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 8% इंडिया के 8% एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉय भी करता है, जहाँ $28.08 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज भी आता है यहाँ से हमें। तो इंडिया में ज्यादातर चीजों में फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आता भी है। सो ओवरऑल जितने भी कोर सब सेक्टर्स कंबाइन अगर आप करें, ट्रैवल टूरिज्म, होटल, फूड सर्विसेज एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड क्रूज लाइनर्स, जितने भी स्टॉक मार्केट के भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं बता दूं, आप बोलते हो ना कि मुझे टूरिज्म में इन्वेस्ट करना है, टूरिज्म में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, 5 core सब सेक्टर्स हैं, आप कंपनी इवेल्युएट करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कौन से स्पेसिफिक सेक्टर में है। टूरिज्म सेक्टर की ओवरऑल कुछ क्वालिटीज है, जैसे टूरिज्म सेक्टर सीजनल होता है, राइट, ओवरऑल हमें देखने को मिलता है कि पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा ये बूस्ट होता है अगर इंक्रीमेंट हो, सो काफी सारी चीजें हैं। और भी ओवरऑल एयर कॉस्ट अगर कम हो जाए, एयरलाइन ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाए, तभी काफी बूस्ट होता है। तो अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कौन से सब सेक्टर में आती है, ट्रैवल में आती है या टूरिज्म होटल में आती है या फूड में आती है या फैसिलिटी मैनेजमेंट में आती है या क्रूज लाइनर्स में आती है, ठीक है। तो ये एक सब सेक्टर को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा शेयर किसका है टूरिज्म के अंदर भी, ये जो 5 है इनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन से हैं, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बन सकता है, आपको इस तरीके से सोचना होगा एज एन इन्वेस्टर।
Skilling gains more importance in the face of technological advancement that are changing the way tourism and hospitality industry operates. Yes, मैं बोलूंगा आप लोगों को स्किल तो प्रोवाइड कर रहे हो, बट इस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. 20 साल पहले कोई गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे हमारे पास जब हम कहीं घूमने जाते थे, राइट? ऑटो वाले बताते थे हमें कि हमें कहाँ जाना है, किससे क्या खरीदना है. सो ये हमें जरूर देखना होगा कि टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट्स आ रही हैं टूरिज्म सेक्टर में, कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ के जॉब्स को हिंडर ना करें. अगर हम इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि हम इन्हें टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दें, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके साथ वो असिस्ट कर पाए इन्हीं लोगों को ओवरऑल. सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अगर आप देखें ब्रॉडर लेवल पे. स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री नॉर्म्स है लॉन्ग वर्किंग आवर्स के, वेजेस कम है जो यूथ को फोर्स करता है कि ये इस इंडस्ट्री से दूसरी जगह पर जाए, दूसरी जगह पर जॉब ढूंढे. तो ये सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स है जो हिंडर करती है, जो अनअट्रैक्टिव बनाती है इंडियन यूथ के लिए इस इंडस्ट्री को. अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो इंडिया रैंक है करीब 39th अमंग 119 कंट्रीज इन 2024. ये स्टार्क इंप्रूवमेंट है ओवर इट्स प्रीवियस रैंक ऑफ 54. तो 54 से हम 39 रैंक पर आ गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से. तो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा है, बाकी स्टेट्स में कोई जाता ही नहीं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश. बहुत ज्यादा हाई शेयर है इनका डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में. मुझे लगता है यहाँ पे राजस्थान का नाम भी आना चाहिए था, बट वी हैव टू सी कि ऐसा क्यों है कि राजस्थान का नाम नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन जयपुर एंड जैसलमेर से लेकर जोधपुर, जितने भी स्टेट्स सिटीज हैं राजस्थान में, उनका नाम जरूर होना चाहिए था इस एडिटोरियल में. एंड उत्तराखंड का भी यहाँ पे नाम होना चाहिए था. सो आई थिंक वी समबडी शुड रिसर्च कि टूरिज्म के लिए इंडिया में टॉप स्टेट्स कौन से हैं इस टाइम पे. क्लियरली जो लागार्ड स्टेट्स हैं इनको एक सही पिच करना पड़ेगा. देखिए टूरिज्म के लिए मार्केटिंग चाहिए. अगर आपका स्टेट जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रहा है ना सही से, तो वहाँ पे लोग नहीं आएंगे भले वो कितना अच्छा हो. ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं होती चीज़ें. तो जैसे कि टूरिज्म कैंपेन्स हैं सक्सेसफुल केरला के, गॉड्स ओन कंट्री, अलॉन्ग विद इनिशिएटिव जैसे कि स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कैन बी अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड. और इससे स्टेट्स भी अपना रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा सकते हैं इंडिया में. आते हैं दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल पे, चाइनाज डेमोग्राफिक रिट्रीट. यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक रिट्रीट की. डेमोग्राफिक रिट्रीट क्या हो सकता है, डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी होता है यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड. कितनी बार हम सुनते हैं कि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यूथ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रीट की बात हो रही है कि किस तरीके से जो चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, अब ये रिट्रीट कर रहा है क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़ा वर्किंग पॉपुलेशन था, वर्कफोर्स था, अब वो वापस कम होने लगा है. तो मोस्ट ऑफ अस वी नो कि चाइना फेस करता है एक पॉपुलेशन प्रॉब्लम. क्या? वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में काफी सालों तक रही, जिसने सोशल और कल्चरल नॉर्म्स ही बदल दिए कंट्री के. कंट्री के पास अभी ह्यूज डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं अहेड, एंड हाउएवर व्हाट वाज नॉट क्लियर इज जस्ट हाउ सीरियस दोज चैलेंजेस आर. ये सबको क्लियर था कि आगे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं था, ये नहीं किसी को पता था कि कितने सीरियस चैलेंजेस हैं, इनका क्या विजिबल इंपैक्ट हो सकता है विद इन अ डेकेड. एंड डेटा जो है वर्स्ट होते जा रहा है चाइना के लिए. यस, अभी जानते हैं हम इस आर्टिकल में कैसे. राइटर ने सबसे पहले यहाँ शुरुआत किया है कुछ हार्ड फैक्ट से. ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ने प्रेजेंट किया है इस एडिटोरियल में कुछ हार्ड फैक्ट. उन्होंने बताया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना में नेगेटिव हो चुकी है, पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ नहीं रही है. 2022-23 का अगर आप डेटा देखें तो पॉपुलेशन श्रिंक हुई है चाइना में. एज रिसेंटली 2019 का जो कंसेंसस था, यहाँ पे चाइना का पॉपुलेशन पीक पर पहुंच चुका था 1.45 बिलियन, 145 करोड़. ठीक है, सॉरी एज रिसेंटली 2019 कंसेंसस ये था कि चाइना का पॉपुलेशन पीक करेगा 2031 में. ठीक है, 1.45 बिलियन पे, 145 करोड़ पे ये पीक कर जाएगा चाइना का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है. लेकिन 2019 में लोगों को लग रहा था ये कब होगा, 12 साल बाद 2031 में, और ये हमें 3 साल बाद ही देखने को मिल गया कि चाइना का पॉपुलेशन एक्चुअली यहीं पर पीक कर गया है. और रिविजन्स आ रहे हैं, डेटा भी गलत प्रूव हुआ जा रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि उन्हें डाउट है कि ये 1.4 बिलियन जो नंबर है ये एक्चुअली सही भी है. जो फर्टिलिटी रेट है चाइना में वो 1 पर है, और ये यूएस से भी कम है. यूएस में 1.6 है एंड जापान में भी 1.2 है,
जापान, जो मैं बोलूंगा एक केस स्टडी बन चुका है दुनिया के लिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि चाइना का फर्टिलिटी रेट जापान से भी कम होगा? डिस्पाइट वन चाइल्ड पॉलिसी जो फॉर्मली ड्रॉप हो गया 2016 में, चाइना का फर्टिलिटी रेट गिरते ही जा रहा है। इनफैक्ट पोस्ट 2016 अगर आप बर्थ रेट देखें तो ये दूसरा एक शार्प डाउन टर्न ले चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है एक और ज्यादा डीप रूटेड इशू जो वन चाइल्ड पॉलिसी से भी ज्यादा डीप रूटेड है। बहुत ही कम वुमेन है, फ्यूअर मतलब फ्यूअर वुमेन, बहुत ही कम नहीं, इसका मैं बोलूंगा ट्रांसलेशन ये होगा कि पहले से काफी कम ऐसी महिलाएं हैं जो शादी करके बच्चे भी पैदा करना चाहती हैं। तो वुमेन इन चाइना राइट नाउ इतनी ज्यादा उनके अंदर मैं बोलूंगा इंटेंशंस नहीं है शादी को करने की, कि नहीं उन्हें बेबीज ही चाहिए। तो वो अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सोसाइटी करियर को ज्यादा रिवॉर्ड करने लग जाती है, एंड पीपल वांट, मोस्ट ऑफ द पीपल मैं बोलूंगा वो सोसाइटी के रिकग्निशन को चाहते हैं। ठीक है, दे वांट सोसाइटीज रिकग्निशन। तो ये कैसे आएगा जब आप वो चीजें करें जो सोसाइटी जिसे फेवर करती है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स को लेके है, राइट? सोसाइटी सबसे ज्यादा फेवर करती है, तो बच्चों को भी सबसे ज्यादा क्रेज उसी का है, राइट? जैसे IITs, IIMs, डॉक्टर्स, इंडियन सोसाइटी इसको ज्यादा फेवर करती है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं फॉरेन में आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स को ज्यादा करती है, वहां स्पोर्ट्समैन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, वहां सबसे ज्यादा लोग आपको स्पोर्ट्स में देखेंगे। सो ये जो सोशल नॉर्म्स हैं टुवर्ड्स मैरिज, ये काफी चेंज हो चुके हैं पहले से। चाइना के पास करीब 3 करोड़ ज्यादा मेन है देन वुमेन, तो वहां मेन काफी ज्यादा है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, एंड जो प्रेवलेंट जेंडर बायस था उसकी वजह से, जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज चाइना में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो है करीब 1 बिलियन लोगों की, एंड ये डिक्लाइन होगी बाय 100 मिलियन। यस, सो 10 करोड़ हर 10 साल में पॉपुलेशन चाइना की कम हो जाएगी, एंड यहाँ पे ये इम्प्लाई करता है कि चाइना लूज करेगा इक्विवेलेंट ऑफ 20% ऑफ जर्मन वर्कफोर्स एवरी ईयर फॉर कमिंग डिकेड्स। अब कंपैरिजन देखिए, एंड ओवर 20 सालों में चाइना 20 करोड़ वर्कर्स को लूज करेगा, और इंडिया तब तक ऐड करेगा 17.5 करोड़ वर्कर्स। तो कितना डाइवर्जेंस है, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तो रुकने का नाम लेगा नहीं अभी, बट चाइना किस तेजी से नीचे जाने वाला है यहाँ पे चाइना का ग्राफ। तो चाइना में ओवर द कमिंग डेकेड जो रेशियो है अबव 60, ठीक है, जितने भी लोग 60 के अबव हैं पॉपुलेशन में, यहाँ पे काफी इनका पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, जैसा हमें जापान में देखने को मिला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब कम पैदा हो रहे हैं, तो जो बूढ़े हैं वो भी ज्यादा जी रहे हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हेविली यहाँ पे हमें देखेगा कि डोमिनेंट रहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ में। एंड अगर आप देखें एजेड 15 to 59, ये 30% से 50% पे आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो डिपेंडेंट है ना इकोनॉमी में, जो लोग पैसे कमा नहीं सकते हैं, जो पैसे के लिए डिपेंडेंट है यंग लोगों पर, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो चाइना के पास ग्रेटर परसेंटेज होगा पॉपुलेशन का ओवर द एज ऑफ 60 देन US। 2036 तक चाइना के पास ग्रेटर ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो होगी US से भी। यस, तो जो राइजिंग डिपेंडेंसी रेशियो है ये दिखाता है कि इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कम होगी क्योंकि यूथ कम होंगे, और फिस्कल चैलेंजेस भी बहुत आएंगे क्योंकि ये लोग पैसे कमाएंगे तो नहीं, लेकिन इन पर आपको पैसा खर्च करना होगा। तो ये जो अमेजिंग नंबर्स है और जो चाइना का डेमोग्राफिक डेटा है, इट इज फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ सो टू स्पीक। जो फर्टिलिटी प्रोजेक्शंस थे बाय यूनाइटेड नेशंस, पॉपुलेशन ऑफ चाइना ये डिक्लाइन करेगा बाय 46% बाय 2100। तो ये काफी ज्यादा आगे की प्रोजेक्शन है, टू अबाउट 770 मिलियन, 77 करोड़ रह जाएगा, ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन हो जाएगा अगले, मैं कहूंगा 70 से 75 सालों में चाइना का पॉपुलेशन। सो यहाँ पे काफी बड़े प्रोजेक्शंस हैं चाइना की पॉपुलेशन को लेके, एंड वन चाइल्ड पॉलिसी का कैसा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप इस आर्टिकल से पता कर पा रहे हैं। सो काफी फर्क पड़ेगा, कंट्री को अपना पूरा बजट चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल जितने भी बूढ़े लोग हैं उन पर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, वो लोग जॉब तो करते नहीं है तो उन्हें पेंशन चाहिए, मेडिकल केयर बहुत ज्यादा चाहिए, अब काम करने वाले कम लोग हैं और खर्चा जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अब बहुत ज्यादा भी काम करना पड़ेगा आगे जाकर चाइना में, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। इट्स लाइक एक घर में अगर 4 बूढ़े लोग हैं और एक काम करने वाला है, तो आप सोचिए जो काम करने वाला है उसे कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी एंड कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एक बूढ़ा आदमी और 3 लोग काम करने वाले हैं। इट्स सो सिंपल अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो,
ओवरऑल, तो काफी फर्क पड़ेगा चाइना के जीडीपी पे, ओवरऑल इसके बजट पे भी। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया के यहाँ पे देखिए काफी मैं बोलूंगा ऑपोजिट पाथ पर है। जैसे कि हमने देखा अगले 20 सालों में चाइना में 20 करोड़ वर्कर्स कम हो जाएंगे, इंडिया में 17.5 करोड़ वर्कर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट पाथ पर है हम दोनों। एंड यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन है कि चाइना क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोजेक्शन क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे चाइना स्लो कर रहा है और बूढ़ा हो रहा है, यहाँ पे कुछ फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जैसे कि जो इकोनॉमी है वो ओवर लेवरेज होगी, ओवर लेवरेज का मतलब जरूरत से ज्यादा उधार होगा इकोनॉमी पे, ठीक है, उधार ज्यादा होगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ है वो स्लोअर हो सकता है, डिफ्लेशन भी आ सकता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन का उल्टा, महंगाई बढ़ना इन्फ्लेशन, महंगाई गिरना डिफ्लेशन। एंड सोशल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे एजिंग के, राइट। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम होगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट लोड जो है वो इस पे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्या हम इतना उधार चुका पाएंगे, और इसके लिए हमें काफी सारे चाइना को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर ग्रोथ 2-3% पे आ जाता है तो कंट्री क्या करेगी, इट विल रन अ लार्ज सरप्लस कैपेसिटी अक्रॉस सेक्टर्स। सरप्लस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ओवरऑल आपके फैक्ट्री में लेट्स से 100 टन गुड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन आपकी जीडीपी ग्रोथ अगर 2-3% है, कंजम्पशन है नहीं, तो क्या है इसको आप 20% पे चलाओगे बस, बाकी 80 जो टन है आप बना के करोगे क्या, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो आपके पास ओवर कैपेसिटी है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर कैपेसिटी। तो ये प्रॉब्लम चाइना में काफी आएगी। ये क्या करेंगे, गुड्स को डंप करेंगे ओवरसीज, प्राइजेस भी कट करेंगे, और अक्रॉस इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में चाइनीज गुड्स जरूर डंप होंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनीज विल बी फोर्स टू टेक इंडिया इवन मोर सीरियसली, क्योंकि ये न्यू सोर्स बनेगा इंक्रीमेंटल डिमांड का, एंड इट इज ऑल्सो वर्थ थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस। चाइना अकाउंट करता है फॉर ओवर 50% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन फॉर वर्चुअली एवरी कमोडिटी, जितनी भी कमोडिटीज है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर जैसे चाइना है, कंज्यूमर भी वही है। तो अगर ये स्लो हो गया तो दुनिया की कोई दूसरी कंट्री नहीं है इंक्लूडिंग इंडिया जो इस ब्रीच को फिल कर पाएगी, पॉसिबल नहीं है जितना इस टाइम पे चाइना कंज्यूम करता है कि इंडिया भी कर ले। एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रियल प्राइजेस हैं अक्रॉस कमोडिटी ये काफी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कमोडिटीज का खत्म हो जाएगा, और हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे बिल्ड करेंगे तो जो फॉलिंग रियल कमोडिटी प्राइजेस हैं ये हमें काफी हेल्प करेगा इंडिया का। तो ये काफी बड़े बड़े हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं आगे जाके, बट ये कब होगा हमें नहीं बता, हो सकता है 50 साल बाद हो, राइट, या ही 70 साल 80 साल बाद हो। तो वी हैव ऑल बीन एक्साइटेड बाय चाइना प्लस वन अपॉर्चुनिटी जो इंडिया के लिए रहा है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। एंड किस तरीके से इंडिया, आप देखिए ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है चाइना के लिए, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स जो बूस्ट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एंड ओवरऑल बिजनेस को इंडिया में। तो इट इज क्लियर कि जो डेज ऑफ हेडी ग्रोथ है चाइना के लिए वो अब खत्म हो चुके हैं, और इंडिया अब इमर्ज करेगा एज न्यू इमर्जिंग ग्रोथ चैंपियन। लेकिन हमें अभी रेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर बिल्कुल भी मैं कहूँगा कंफर्टेबल नहीं फील करना चाहिए ज़्यादा। एक्चुअली हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसका फायदा उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा हमारी कंट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खुद पर भी। आता है दूसरे आर्टिकल पर, और ये बात कर रहा है आईटी कंपनीज के बारे में, आईटी सेक्टर का आउटलुक जिन लोगों को जानना है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जॉब्स की बात करूं मैं या फिर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट्स की अगर आप आईटी सेक्टर में करना चाहते हैं तो। इन प्रीव्यूज ऑफ Q2 FY25 एंड बियॉन्ड, इंडस्ट्री एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्न अराउंड फॉर आईटी सर्विसेज। यस, आईटी सर्विसेज कंपनीज में काफी अच्छा टर्न अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाई टीन्स अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर बोलते हैं इसे, ठीक है, कंपनी कितना कमा रही है और पर शेयर कितना जा रहा है शेयर होल्डर्स के लिए अगले 2-3 साल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। होप्स ये है कि इट विल बी बैक बाय डील्स विंस ऑफ अबव $100 बिलियन। यहाँ पे मार्जिन जो है काफी स्टेबलाइज हो चुके हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटीज है क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और जनरेटिव AI में। पॉजिटिव सेंटिमेंट है फेडरल रिजर्व के रेट कट से, अगर रेट कट आता है, ब्याज दर घटते हैं US में, तो काफी बेनिफिट होगा रेवेन्यू। ओवरऑल जो कंपनीज रिप्रेजेंटेड है निफ्टी आईटी में वो 8.5% के रेट से ग्रो कर सकता है, एंड ये 17.5% भी जा सकता है ओवर द सेम पीरियड ईपीएस ग्रोथ अर्निंग्स पर शेयर। तो ये रिपोर्ट आई है निर्मल बांग रिसर्च की। एंड मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से, मार्जिन एक्सपेंशन देखिए लग रहा है क्या है, कुछ नहीं है, आप 10% कमाते हो एक प्रोडक्ट बेचने पे,
हो सकता है आप 20% कमाओ, इसको मार्जिन एक्सपेंशन बोला जाता है, ठीक है। पिरामिड रैशनलाइजेशन, रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, हायर यूटिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो हेल्प करेंगी आईटी कंपनीज को ओवरऑल एक्सपैंड करने में अपना मार्जिन और ओवरऑल रेवेन्यू भी। तो पूरे सेक्टर में ग्रोथ आएगी लेकिन सारी कंपनीज में सेम नहीं आएगी, कुछ कंपनीज बहुत बढ़िया करेंगी, कुछ कंपनीज काफी पुअर भी करेंगी यहाँ पे। तो इन्वेस्टर को बहुत ही केयरफुली चूज करना होगा कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी विजिबल है BFSI में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी, इंश्योरेंस में भी, इसे BFSI बोलते हैं याद रखिएगा, कभी भी पूरा नहीं लिखा रहेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड इंश्योरेंस। हाइपरस्केलर रेवेन्यूज भी बढ़िया चल रहे हैं, जिन AI एडॉप्शन हो रहा है, जिससे नेक्स्ट फेज आ सकता है ग्रोथ का। निफ्टी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ रेट है ओवर 19 से लेके 22 तक, मैं 2019 से 2022 की बात कर रहा हूँ, 10% था रेवेन्यू के लिए, EPS था 12.5% वर्सेस 5.5% रहा है रेवेन्यू और 9% रहा है 22 से 25, काफी पुअर ग्रोथ रहा है कंपैरेटिवली। तो आईटी का शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस भी देखिए, काफी पुअर रहा है इतने सालों में, पहले इतनी बढ़िया ग्रोथ थी कोविड के बाद और अचानक से ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई। तो ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड है कि ये $8 trillion से भी ज्यादा जाएगा, और जितना ज्यादा स्पेंडिंग होगी इससे हमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी बढ़िया है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये ग्रो करेंगे ओवर 20% के रेट से। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग भी 11.5% बढ़ने वाली है, एंड जेन AI इम्पैक्ट करने वाला है बजट 2025 से सारी IT कंपनीज का। आउटसोर्सिंग शेयर अगर आप देखें टोटल IT स्पेंडिंग का, ये भी बढ़ेगा 12.5 से 15% हो जाएगा। इंडिया में एक बहुत ही कंपेरेटिव आर रेट है, मतलब हम लोग काफी कम चार्ज करते हैं काम करने का, तो हम लोग काफी बड़ा शेयर यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग प्रोवाइडिंग काफी हाई क्वालिटी सर्विसेज आईटी में, लेकिन बहुत ही कम दाम पर। तो फेडरल रिजर्व का मॉनेटरी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को कम कर चुका है, कंट्रोल कर चुका है, एंड ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लो ही रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी के बजट आगे बढ़ेंगे, US इकोनॉमी भी रिसेशन में नहीं जाएगा, इनका ये एक्सपेक्टेशन है, एंड काफी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी और स्पेंडिंग ड्रिवन बाई स्पेंडिंग, ठीक है। तो लाइफ साइंसेज और एनर्जी यूटिलिटीज ये भी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टेड है आईटी में, एंड यूरो स्पेंडिंग भी आईटी में 9.5% का इंक्रीज देख सकती है। तो यूरोप में भी काफी बढ़िया हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। आईटी इंडस्ट्री अकाउंट करती है 7.5% ऑफ इंडियाज ग्रॉस GDP। अभी हमने पढ़ा टूरिज्म का, टूरिज्म कितना करती है शेयर, आई थिंक 7.5%, एंड आईटी सेक्टर कितना करता है 7.5%। तो गिवन GDP एट अराउंड $5 trillion बाय 2028, इसका मतलब आईटी का रेवेन्यू होना चाहिए करीब $550 से $600 billion। यस, एंड आईटी इंडेक्स का 5-year मीन वैल्यूएशन जो है PE का वो है 30 times, तो कुछ बेटर मार्जिन आएंगे तो बढ़िया रिटर्न आ सकते हैं अगर वैल्यूएशन मेंटेन रहे या इंप्रूव होते हैं, तो ये कहना है इस रिसर्च फर्म का ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए। सो काफी बढ़िया प्रॉस्पेक्ट्स इन्हें नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।